को भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ कि आप जैसे विद्वानों के सामने प्रार्थना में दृढ़ता की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कर पा रहा हूँ। प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, कण कण में व्याप्त है। अटूट श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने पर उसकी कृपा को प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थना करना हम ईसाइयों का परमेश्वर के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हालांकि हम में से कुछ लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि किसी काम की पूर्ति के लिए या किसी जरूरत के लिए जो हमारी हताश प्रार्थनाएं है वो अधिकतर सुनी नहीं जाती है क्योंकि उन प्रार्थनाओं में दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता की कमी या अनुपस्थिति के कारण हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे हम परमेश्वर का नहीं हो, या ऐसा लगता है जैसे प्रार्थना करते समय हम खुद से बात कर रहे हो और हमारी आत्मा शांति आनंद महसूस नहीं कर पाती। इन सब का कारण हमारे प्रार्थनाओं में दृढ़ता न होने की वजह है जो अत्यंत आवश्यक है। जब हम प्रार्थना करते हैं और दृढ़ता के साथ करते हैं तब हम ये नहीं देखते कि हमें परमेश्वर से क्या प्राप्त हुआ और क्या नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम का संबंध बना जिसे वे और मजबूत बना रहे हैं और हमें ये विश्वास हो जाता है कि अगर हम अपनी सभी चिंताओं को दुख तकलीफों को उसके हाथों में सौंप दें तो हम सभी चीजों पर काबू पा सकते हैं। जब हम दृढ़ता के साथ प्रार्थना करते हैं तो जो पहली चीज हमें प्राप्त होती है वो है पवित्र आत्मा, जो सबसे पहले हमारे और ईश्वर के बीच के संबंध को मजबूत बनाती है और हमें परमेश्वर के बच्चों की तरह बनाती है। फिर यही पवित्र आत्मा हमें प्रेरित भी करती है कि हम परमेश्वर के बच्चों की तरह ही प्रार्थना करें और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरह व्यतीत कर सके जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ाई। जैसे हमारे सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है वैसे ही प्रार्थना में भी उसकी अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक यह है कि हमारा और ईश्वर का संबंध बना रहे। हम अपने जीवन की चोटों का सामना इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने प्रार्थनाओं में दृढ़ नहीं है। हम प्रार्थना में दृढ़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अपने जीवन में बस परिवर्तन लाना होता है और जब हम ये देखते हैं कि हमारी कोई जरूरत आवश्यकता पूरी नहीं होती तब हम प्रार्थना करना भी बंद कर देते हैं। हम अपने जीवन का चोटों का सामना तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर हम फिर से शुरुआत करें ये ना देखते हुए कि परमेश्वर से क्या प्राप्त हुआ और क्या नहीं, तब परमेश्वर का दिव्य प्रेम हम पर बना रहेगा और प्रार्थना में दृढ़ रहते हुए हम इस प्रकार के सभी चीजों पर काबू पा सकते हैं। धन्यवाद।